कहते हैं वो तीनों पंडित कि मैं ब्राह्मण जाति का मुझमें मान बहुत कि हमारा कोई निराजन कर दे तो हम कुटान से मार दे, वो रह नहीं सकता, तो हम बड़े अहंकारी बड़े घमंडी, हम मान चाहते हैं कि हमारा सब लोग मान आदर सत्कार करें, और जरा भी निराजन किया तो हम क्रुद्ध हो जाएंगे। तो आपने कृपा और दया की कि हमको एक तो बार लिया निकाल लिया, कृपा और दया कर दिया। हमारी जात के ये गुण है कि हम इस तरह के रहते हैं, वैसे हम अगुआकार रहेंगे, हम विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन हमारा अपमान हो गया तो नाश कर देंगे उसको। बोलो अब मैं अपनी विधि बताऊं, स्वामी सुनिए चित कर भाऊ। अब वो कहते हैं पंडित के माना कहता है कि स्वामी जो कुछ भी आपने मुझको दिया और बताया वो जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, तो उसको ध्यान देकर के आप सुन लीजिए। बोलो चमकाए बीजारू गगन दिखाई, अंदर स्वामी फैलत जाई। हम कहते हैं कि हमको गगन आकाश दिखाई दिया जब हमने अपनी दोनों आंखें बंद की, तो बीच की आंख जब खुली तीसरी आंख तो गगन दिखाई देता आंख बहुत बड़ा, और उसमें प्रकाश ही प्रकाश है, और उधर को मैं देख रहा हूँ तो प्रकाश बढ़ रहा बड़ी तेजी के साथ, और हम देख रहे हैं और प्रकाश फैलता चला जा रहा है, तो कितनी दूर तक फैलेगा वो तो बहुत प्रकाश है, वो तो फैलता ही जाएगा। तो स्वामी आपने जो मुझ पर कृपा की दया की है और जो मुझको मिल रहा है मैं सुनाने आया। बोलो पांच तत्व रंग भिन्न भिन्न देखा, कारा पीरा सुरख सफेद। कहते हैं कि हमने पांचों तत्व का रंग, ये तो जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और सूक्ष्म पांच तत्व में ही तो उसका विस्तार हुआ कि पांच तत्व में रंग क्या है, काला पीला सुर्ख और सफेद, ये हमने वहां पर गगन में आकाश में उस प्रकाश में हमने ये सब देखा अपनी आंखों से, क्योंकि साधक जब इधर से जाएगा तो ये सब चीजें उसकी निगाह में आएंगी, सब देखेगा उसको सबको और सबको पहचानेगा भाई क्या है ये, मतलब ये नीला पीला सुर्ख सफेद ये मतलब रंग है उसका, ये यही कलर है, इसी को मिला करके आप कुछ भी कर दीजिए, फीका कर दीजिए, गहरा कर दीजिए, कैसा भी करो इन पांचों तो रंगों को मिलाकर, और ये मोटा ऐसा मसाला है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसमें ये सब मिलेगा, बिना अग्नि के बिना वायु के और बिना पृथ्वी के बिना आकाश के ये कोई मसाला बन नहीं सकता, इसमें सब में ये पांचों रहेगा। ये नहीं कि आप जल का ही अलग बना ले या मिट्टी का ही अलग बना ले आकाश का या अग्नि का ही अलग बना ले या मतलब ये नहीं, सब मिलेगा, मिलकर के पांचों तब काम होगा, ऐसे जीव तक का और इन्हीं मसालों का सब बनाया गया, और कुछ नहीं, ये जितनी चीजें बनाई इसी पांच मसाले से बनी है। बोलो और जंगल रंग तेही माई तेही विधि पांचों तत दर्शाई। कहते हैं हमको सब उस गगन में उस आकाश में उस प्रकाश में जो रोती है सूरज से ज्यादा प्रकाश है उसमें ये सब हमको दिखाई देता है, उसमें अपनी साधना का जो गुरु स्वामी जी ने रास्ता बताया वो आकर के वर्णन किया कि मैं ये देखता हूँ ये हमको दिखाई देता है। अब कृपा और दया तो हो ही गई, अगर नहीं कृपा करते दया नहीं करते और इनको उबारते नहीं तो ये तो ब्राह्मण जाति लोभी लाल ये कामी और क्रोधी ये मतलब ये उसी में फंसे रहते, लेकिन ये गए वहां उस ब्राह्मण को समझाया कि तुमने उनको देखा उनकी बात को सुना तो कह लगे तो फिर विद्वान किस बात की उनकी बात को तो सुनो, आखिर वो कहते क्या आप से ज्यादा थोड़ी जानते हैं, तो जो कुछ जानते हैं वो कुछ ना कुछ कहेंगे, तो उनके कहने पर ये गए ये बात तो सत्य है, तो जाकर के वहां इस तरह से दर्शन किए और फिर उन्होंने उनको प्रणाम किया आसन दिया बैठाया और दीन विधि से सिर झुकाया कि भाई हम तो छोटे हैं आपने हमको दर्शन दिया हमारे बड़े हो मांगे, अपनी इतनी दीनता दर्शाई तब उनका क्रोध ठंडा हो गया। चलो तो
तासे सूरत भी न होए खेली तेही के आगे चली अकेली। अब कहते हैं कि सूरत ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है उस गगन के ऊपर गई अलग अलग होकर के तमाम मंडलों को यानी वह देखती है कि तमाम लोग हैं बहुत लोगों को अगर अलग होकर के यानी इस शरीर से अलग हो गई और उसको देख रही है। जब तक इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी नहीं तब तक उसको गगन के ऊपर जाएगी तब उसको देखेगी। तो कहते हैं अकेली खड़े होकर के देखने लगी कि ये सब क्या चीज है। उसी को गोस्वामी महाराज कहते हैं मुझे नैन में रहे हूं मैंने अपनी आंख बंद की अंदर की आंख खुली तो फिर देखते हैं कि मुझे नैन में त्रिसित में भयो कुंचित वत अपने सामने देखा फौरन तो मोह विलोक राम मुस्काई। कहते वो राम बैठे हुए वो सैदल कमल में अपने स्थान पर वो बैठे तीन लोग के मालिक तो उन्होंने कहा जो आवाज आ रही है पकड़ के हमारे पास चले आओ। तो आवाज को उन्होंने पकड़ा तो फौरन जो आवाज उनके मुख से निकल रही थी पकड़ के उनके पास पहुंच गए। वो सबसे सुलभ और सहज रास्ता पहुंचने का कि पकड़ा और वहां पहुंचे। तो जैसे बिजली का बटन को नीचे फौरन बिजली जली ऐसे ही पकड़ा और फौरन पहुंच गया उनके पास और सामने खड़े होकर देख रहे हैं। और वो इनको देखते हैं तो बोले कि हम तुमसे बहुत खुश हो गए प्रसन्न हो गए तुमको अब रास्ता देते हैं तो उधर चले जाओ। रास्ता दे दिया जब उधर गए तो उधर जा करके अलग हो गए ये शरीर से छूट जाएगा। जैसे मौत के वक्त में शरीर से जीवात्मा अलग कर दी जाती है ऐसे अलग हो जाती और उधर जाके वहां उस मैदान में खड़ी बिल्कुल सफेद मैदान है बिल्कुल और सारा संसार उसके सामने कुछ नहीं इतना बड़ा उसमें खड़े होकर के ऊंची मतलब मैदान में और वो सब देख रहे थे चारों तरफ देखते वही वो बता रहे हैं कि मैं उससे अलग होकर के गगन के ऊपर गई और सूरत बिल्कुल अकेली हो गई अकेली और वो सब देख रही कि ये क्या चीज है। छोड़ो साहस कमल से न्यारी जाई श्वेत दीप द्वारे के वो कहते हैं प्रियलाल माला कहता है कि सैदल कमल के जब ऊपर में गई तो श्वेत दीप है यानी मैदान है सफेद और वहां खड़ी हो गई जाकर के वहां से तब देख रही है। अब इतने जो देखा वो तो छोटा से छोटा उसको वर्णन किया वही ब्राह्मण काशी में सबसे बड़े विरोधी